दाल तो हमारे घरों में रोज़ाना बनती है, पर मुझे लगता है परफेक्ट दाल बनाना भी अपने आप में कला होती है। अगर सही समय पे मसाले डाले जाएं और उसको सही समय पे भूना जाए तो आप एक नॉर्मल सी दाल को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल तड़का की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए मिलकर बनाते हैं एकदम होटल स्टाइल मज़ेदार सी दाल फ्राई। दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कप तुअर दाल है, या जिसको अरहर दाल भी कहते हैं, और हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हाथों से बहुत अच्छे से रब करके या रगड़ के धो लेंगे, क्योंकि कई बार दाल जो है वो पॉलिश्ड होती है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं धोएंगे तो इसमें जो मिट्टी है वो भी रह जाएगी और इसकी पॉलिश नहीं निकलेगी। तो इसको हमें तब तक धोना है, 3 से 4 बार धोना है एटलीस्ट, जब तक कि पानी एकदम क्लियर ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने 3 से 4 बार दाल को धो लिया है और आप देखें पानी अब काफ़ी क्लियर हो गया है। मैं इसको भी हटा दूंगी और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हम इसको भिगो के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। दाल को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था और आइए अब इसको कुक करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और हम ये दाल इसमें डाल देंगे। तो दाल का पानी दाल के साथ ही डालेंगे, क्योंकि हमने इस दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था तो ये पानी भी एकदम क्लीन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालने से क्या होता है, दाल जब पकती है तो प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकलती है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सीटियां लेंगे, या फिर हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि दाल अच्छे से अंदर तक कुक ना हो जाए या पक ना जाए। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 2 सीटियां लगा दी थी और आइए हम चेक करते हैं दाल को। तो ये देखिए, दाल एकदम परफेक्टली गल चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी डालना है, इससे दाल एकदम परफेक्ट बनती है। और आइए फटाफट इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो घी में भी तड़का बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ऐसा पटीदा या हींग, 1 टीस्पून भर के जीरा, और जीरे को अच्छे से कड़कने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और इसको भी जीरे के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 कली कटे हुए लहसुन और इनको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि लहसुन जो है जले नहीं और अच्छे से भुन सके। लहसुन अब तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज जिसको कि बहुत बारीक काटें आप, और इसको डाल के हम गैस की फ्लेम को फुल पे कर देंगे और अच्छे से प्याज को हम भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि प्याज जो है वो क्रिस्प रहे पर ब्राउन हो जाए, इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम को फुल पे किया है। इससे प्याज जल्दी से भुन जाएगा और क्रिस्पी रहेगा थोड़ा सा। तो ये देखिए, प्याज भुन के बिल्कुल तैयार है, बस इसी हद तक भूनना है इसको। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा एकदम बारीक बारीक काट के, और इनको भी कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, ये भी भुन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर जिसको कि मैंने बहुत बारीक काटा है, और टमाटर डाल के भी हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ अभी भी मैंने गैस की फ्लेम को फुल पे रखा हुआ है और इसको आप बस चलाते हुए इस तरह से चमचे से और थोड़ा सा दबा दबा के भूनते रहें। तो आप देखें कि टमाटर भी भुन के तैयार है ऑलमोस्ट। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड कर चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सादा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गैस की आंच जो है फुल पे है, तो आप सभी मसालों को जल्दी जल्दी मिक्स करते रहें, नहीं तो वो जल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दाल। तो सारी दाल हमें एक साथ नहीं डालनी है, हम थोड़ी थोड़ी दाल इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आपने देखा होगा, जब हम ढाबे पे खाना खाते हैं तो गैस की, जब वो कुक करते हैं खाने को, तो गैस की फ्लेम बहुत तेज़ होती है। तो घर पे तो उतनी तेज़ फ्लेम पे नहीं बन सकता है खाना, पर आप कोशिश करके इसको जितनी फ्लेम पे रख सकते हैं फुल पे उतना रखें, तो दाल तड़का उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने सारी दाल ऐड कर दी है और इसको इस तरह से
अच्छे से मिक्स किया है, तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से चमचे से इसको मिक्स करना है, जिससे दाल और तड़का आपस में बिल्कुल मिलके एक सार हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। तो यहाँ पर अभी तक मैंने दाल में एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाया है, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दाल बहुत थिक हो रही है या आप इसको काफ़ी देर बाद खाने लगेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें, नहीं तो जैसे जैसे दाल ठंडी होती है वो बहुत थिक होती जाती है। तो मैं तो उसको अभी यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी। तो आप कंसिस्टेंसी देख लें, कुछ इस तरह की होनी चाहिए इसकी। तो देखें हमारी बेसिक दाल बिल्कुल तैयार है, और आइए फटाफट बस एक और मज़ेदार सा तड़का लगाते हैं इस पर। तो इसके लिए मैंने तड़के वाला पैन लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा सा कड़क जाने देंगे। तो ये देखिए ज़ीरा अच्छे से कड़क रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 7 से 8 कली लहसुन के, और गैस को हम ऑफ कर देंगे। घी इतना गर्म है अभी कि जो हमारा लहसुन है वो इस गर्म घी में अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखें लहसुन अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ ध्यान रखें, जब आप लाल मिर्ची पाउडर डालें तो जो घी है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो लाल मिर्ची पाउडर है वो जल जाएगा। और आइए ये गर्मा गर्म तड़का फटाफट हम दाल पे डालते हैं, और हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो ये देखें लग रही है ना कितनी मज़ेदार। तो आप इसको खा सकते हैं ज़ीरा राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, अमेजिंग टेस्टी होती है। तो ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।